आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर 5 के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अभी प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं और ये प्लेन मिरर के बारे में पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेन मिरर से पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का इमेज कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ जानकारी इकट्ठा किया था। अब उसी जानकारी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। तो एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है कि भाई एनी ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। सेम रूल्स आर फॉलोड फॉर इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। कुछ खास प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि भाई साइज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज formed in plane mirror remains equal। जितना बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका इमेज भी होगा, है ना? ये एक खास बात है। दूसरा कि भाई इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट विल बी लैटरली इन्वर्टेड जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, नहीं होता कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट जो बन जाता है प्लेन मिरर के केस में, उसी को हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं और कुछ नहीं। फिर इमेज विल बी इरेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मिरर।
इमेज विल बी इन्वर्टेड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मिरर. तो जो भी कुछ लिखने का काम था वो हम लोगों ने इसके बारे में कर लिया है. अब इसको आप लोगों को समझाना है. समझने के लिए बहुत ही सिंपल बात है. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को मिलके जिस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे उसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे. हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो रूल्स रेगुलेशन सही है प्लेन मिरर के केस में, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां भी फॉलो किए जाएंगे. फिर अगली बात ये कि भाई जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का साइज होगा और जो उसके इमेज का साइज होगा वो दोनों बराबर होंगे. उसके अलावा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो प्लेन मिरर में लैटरली इन्वर्ट हो सकता है. अगला कि इमेज इरेक्ट होगा अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं पैरेलल टू द मिरर, और ये इन्वर्टेड होगा अगर हम लोग उसको प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू द मिरर. तब तो इन्हीं सब बातों के साथ वापस इसको थोड़ा सा और बनाते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है उसी को बस मैं लिखना चाहता हूं इस रूप में. ये पेज टू कर देते हैं. फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे. जैसे ये प्लेन मिरर है, तो ये प्लेन मिरर के पास में मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये ए बी. अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो बी जितना दूर होगा ना ठीक उतना ही पीछे उसका इमेज बनना चाहिए. ये बन गया अपना बी डैश. और ए जितना दूर होगा ना ठीक उतना ही दूर उसका इमेज बनना चाहिए. तो ये बन गया ए डैश. तो मैंने जो कहा था कि भाई जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज बनेगा, उसके लिए हम लोग इस एग्जांपल का यूज कर रहे हैं. दूसरी बात का हम लोग यूज कर रहे हैं ऐसे कि भाई यहां पे आप एक मिरर रखिए और वो मिरर के पैरेलल में एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए ए बी. अगर ये इसके पैरेलल में है तो आपको क्या करना है. ये बन जाएगा अपना ए डैश बी डैश. तो इरेक्ट बना कि नहीं, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बन रहा है, कोई समस्या नहीं. लेकिन
अगर आपका मिरर है इसी तरीके से पर ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हो, ये ए है ये बी है, तो अब क्या होगा, ए ज्यादा पास में है तो ए वाला एंड को क्या बनना चाहिए, ज्यादा पास में बनना चाहिए, और बी दूर है तो बी का इमेज क्या होना चाहिए, थोड़ा सा दूर बनना चाहिए। तो बस ये बन गया अपना ए डैश, ये बन गया अपना बी डैश, बस इसी तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले में आप लोगों के लिए कुछ हल्का फुल्का होमवर्क है, ड्रॉ इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पहला एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है एबीसीडी, दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये वाला पी, इसका इमेज बनाना है, तीसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये अपना मिरर, ये मिरर 45 डिग्री पे है और ये ए बी हॉरिजॉन्टल है जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और फोर्थ में फिर से ये मिरर है 45 डिग्री पे, और ये ए बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रखा गया। तो ये चारों सवालों का आप लोगों को एक इमेज बनाना है और इमेज बना के अपने ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये चार छोटे छोटे सवाल है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसके बाद से हम लोग एक और सवाल करते हैं, तो अगला सवाल है अपना, ये भी काफी फेमस सवाल है, आप सब लोग इसके बारे में 10th क्लास से ही जानते हैं कि भाई फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर इन विच फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी सीन। आपको एक ऐसा मिरर का हाइट बता रहा है मिनिमम है जिसमें कि आदमी अपना फुल इमेज देख सके। तो इस सवाल को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, देखो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक आदमी है, ये आदमी है तो सबसे नीचे इसके पैर होंगे, उसके लिए मैंने एफ लिख दिया है, और सबसे ऊपर उसके बाल के लिए एच लिख दिया।
इन दोनों को देखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आंख है, और वो रहता थोड़ा इधर की तरफ, थोड़ा नीचे। आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर कहीं से भी रेज रिफ्लेक्ट होंगी और अगर आदमी के आंखों में नहीं पहुंचे तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो आदमी ने कुछ भी देखा है। सिमिलरली अगर उसके पैरों से भी जो रेज पहुंच रही है मिरर पर, वो अगर उसके आंखों में नहीं गिरी तो भी आप नहीं कह सकते कि उसने कुछ देखा है। इसीलिए हम लोगों की पहली जिम्मेवारी क्या है, हेयर से जो रेज आएगी वो मिरर एम डैश के एक कोने से टकरा के आई में चली जाएंगी, और फूट से भी जो रेज जाएंगी वो मिरर एम डैश के एक कोने से टकरा के आई में चली जाएंगी। अब अपने को क्या करना है कि भाई यहां पे जो एंगल होगा, मान लो अगर ये एंगल आई है तो आपको लगता है ना कि ये वाला भी एंगल आई होना चाहिए। अगर ये एंगल आर है तो आपको लगता है ना कि ये वाला एंगल भी आर होना चाहिए। बस ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि भाई जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा ठीक उतना ही पीछे उसका इमेज बनना जरूरी है। तो हम लोगों ने ऐसा काम कर देना है, फिर आप ये आराम से कह सकते हैं कि चलो थोड़ा और पीछे ले चलते हैं इसको। पीछे ले चलेंगे तो ये लाइन को अगर बढ़ाया जाए, ये यहां तक पहुंच रहा है, और वैसे ही अगर इस लाइन को बढ़ाया जाए उतनी ही दूरी तक जितनी दूरी पे ये रखा हुआ है, तो क्या हुआ है? बस इसी बात का हम लोगों को हिसाब किताब इसका कर देना है। तो चलो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल भी आई हो सकता है, और अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल भी आर हो सकता है। आपको सिंपल सा काम ये करना है कि मान लो अगर ये दूरी एक्स के बराबर है तो समान एंगल के सामने के डिस्टेंस समान होने चाहिए, ये भी एक्स हो जाएगा। अगर ये दूरी वाई के बराबर है तो इसको भी वाई होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये 2x प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। फिर अगर हाइट ऑफ इमेज इतना है तो आप लोगों को क्या देखना था, हाइट ऑफ मिरर कितना है। तो देखो ये एक्स है और ये वाई है, आमने सामने से देख लेंगे हम लोग। तो आप नहीं ऐसा कह सकते कि हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मैन इज रिक्वायर्ड, आदमी की जो लंबाई है ना उससे आधी लंबाई का मिरर की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी, क्योंकि आदमी की हाइट कितनी ली है मैंने 2x प्लस 2y, इमेज की भी हाइट कितनी होगी ट्वाइस ऑफ x प्लस y, फिर मिरर की हाइट कितनी हो गई सिंपली x प्लस y। तो इस तरीके से हम लोग इन दोनों चीजों को जोड़ देंगे और इनको जोड़ के आराम से ये रिजल्ट तक पहुंचा सकते हैं बात को कि भाई इतनी हमारी लंबाई मिरर की है जो जरूरी है। तो बस इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अगर कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का सवाल आता है मैं आप लोगों को कुछ सवाल भेज दूंगा, तो उन सवालों में भी आप लोगों को बस रे डायग्राम पे ध्यान देना है
प्रॉपर रेज का ओरिएंटेशन बनाइए और सॉल्व करके बता दीजिए। तो कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, बस रेज को अपनी जगह तक पहुंचाना है और फिर सवाल को सॉल्व कर देना है। अगला नंबर ऑफ इमेजेस, फॉर्म्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। देखो, हम लोग सबसे पहले सबसे सिंपल बात से स्टार्ट करते हैं, जिसको समझने के लिए आप लोगों को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे सबसे सिंपल है अपने लिए एक मिरर लेना। मान लो ये मिरर वन है, इसका नाम मैंने M1 रखा, और ये एक दूसरा मिरर लेना है, इसका नाम हमने M2 रखा। ये ऑब्जेक्ट वो है। अब आप बताओ कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन केस ऑफ टू पैरेलल मिरर्स फेसिंग ईच अदर। दो मिरर है, ये दोनों एक दूसरे को अगर फेस करते हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? आपका ऑब्वियस आंसर तुरंत होना चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। ऐसा क्यों होता है भाई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस इसलिए बनते हैं कि मान लो O का एक इमेज M1 में बना। वो इमेज क्या करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसके लिए? दूसरे मिरर के लिए। फिर ऐसे ही एक के बाद एक बनते जाते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ये भी है, जैसे हम लोग कभी नाई की दुकान में जाते हैं तो वहां ऐसा नहीं होता कि अपने सामने भी और पीछे भी एक मिरर लगा रहता है। इन दोनों मिरर्स के बीच में अगर हम लोग अपने आप को पोजिशन कर लेते हैं तो हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस एक मिरर में बने हुए हैं। फिर दूसरे मिरर की तरफ अगर अपना चेहरा करते हैं तो उसमें भी हमें ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देते हैं। तो एक जो इमेज होगा वो दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इसी तरीके से ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं छोटा सा, कि एक बार नंबर ऑफ इमेजेस तो हमें पता है कि इनफाइनाइट होंगे, 2-4-5 इमेजेस का ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उनका पोजीशन, उनका लोकेशन क्या है, है ना। तो ये बात को पहले पता कर लिया जाए कि भाई कौन कहां पे पोजीशन में होगा, और फिर उसके बाद हम लोग उस बात से आगे बढ़ेंगे। तो इसको मिटा दिया जाए। ये नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा जगह की कमी के कारण इसको मिटा देते हैं।
इतना बड़ा मिरर बनाने के पीछे ये मकसद है कि जो भी रेज होंगी वो आपको क्लियर कट दिखाई दे। सबसे इसको पहले वाले का नाम हम लोग M1 रख लेते हैं, दूसरे वाले का नाम हम लोग M2 रख लेते हैं। ये एक लाइन बनाई है मैंने, ये अपना ऑब्जेक्ट है जिसकी दूरी इस मिरर से A के बराबर है और इस मिरर से B के बराबर। अगर ये ऑब्जेक्ट ये दूरी पे है तो आपको पता ही है कि यहां पे जो इमेज बनेगा उसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1। I1 बनने के लिए क्या हुआ होगा, यहां से कुछ रेज ऐसे गई होंगी और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है, इसको मैंने बताया था ना आप लोगों को, इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, ये जहां आके कट करेंगी वहां पे अपना इमेज बनना चाहिए। और ये इमेज की दूरी कितनी हो जाएगी, ये इमेज की दूरी होगी A के बराबर। अब अगला काम हम लोगों को क्या करना है कि भाई ये जो I1 नाम इसका दिया गया है, ये सिंपली इसलिए नाम दिया है मैंने क्योंकि ये पहले वाले मिरर में मतलब M1 में बना है, इसीलिए इसका नाम मैंने I1 रखा है। दूसरी तरफ वाले इमेज के बारे में बात करें तो यहां पे भी एक इमेज बनना चाहिए इस तरीके का। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक रे को इधर की तरफ बढ़ा लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर भी बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सिर्फ इसको दो तरफ से इसलिए बना रहे हैं ताकि रीडेबिलिटी में आसान रहे, और कोई बात नहीं है ऐसा, ठीक है। तो चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं। ये दूरी B के बराबर है लिखा हुआ है, फिर ये यहां से ऐसे जाएगा। आपको क्या करना है, इसी लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ाना है, थोड़ा सा पीछे बढ़ा दीजिए और इसका नाम क्या रख लीजिए, I2। I2 क्यों, क्योंकि ये मिरर M2 में बनने वाला पहला इमेज है, इसलिए। ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, B के बराबर। ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज भी उतना ही पीछे बनता है, ये लॉजिक तो हम लोग जानते ही हैं। अब अगला काम हम लोगों को ये करना होगा कि ये रेज जो यहां तक पहुंचेंगी ये यहां से भी रिफ्लेक्ट होंगी, आपको पता है। तो अगर ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको भी अगर आप बढ़ाओगे पीछे तो कहीं ना कहीं इस एक्सिस को कट करेंगी। तो जहां कहीं भी ये एक्सिस को कट कर देंगी उस जगह पे एक इमेज बनना चाहिए, और उसका इमेज का नाम क्या होना चाहिए, I12। I12 नाम क्यों रखा है मैंने इसका, I12 से मेरा मतलब है कि इमेज ऑफ इधर लिख देते हैं हम लोग, इमेज ऑफ I1 इन मिरर, मिरर टू में बनने वाला I1 का इमेज है, इसीलिए इसका नाम मैंने I12 रख दिया है। अब आप लोग ये बात बता सकते हैं कि ये I12 की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो देखो दूरी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, I1 का इमेज बन रहा है तो I1 का इस मिरर से कितना दूरी है, A+A+B, तो ये बन जाएगा कितना, 2A+B। तो बस हम लोग इसको 2A+B तक पहुंचा देते हैं, ये I12 बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब इधर की तरफ वाला एक इमेज बनाया है तो इधर की तरफ का भी एक इमेज बना लेते हैं, ये वाला गया। अब आपको क्या करना है कि इसी को थोड़ा सा और पीछे बढ़ाना होगा, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे ये क्या बन जाएगा, I किसका इमेज है ये भाई, तो हम लोग कहेंगे ना कि ये इमेज है I2 का, क्योंकि I2 वाली जो रेज है वही तो इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही है,
तो इसीलिए इसका नाम रखा जाएगा I21। I21 का मतलब यहां पे लिख देते हैं वापस, इसका मतलब है इमेज ऑफ I2 इन मिरर 1। और इसकी दूरी कितनी होगी कहां से, ये वाले मिरर से, तो ये वाले मिरर से इसकी दूरी उतनी ही होगी जितना वो आगे की तरफ होगा। तो ये दूरी आ रही है a प्लस टू बी, बस इसी तरीके से ये, आप चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और इसी तरीके से इसको हम लोग जोड़ते जाएंगे। अगर इसको कम शब्दों में लिखना हो और आप लोगों को इसको कम शब्दों में देखना हो तो आप सिंपली ये काम किया करो कि देखो हम लोगों ने बनाया M1 और M2, दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ M1 और M2 हमारे दो मिरर हैं। M1 में पहले इमेज बनेगा कौन, I1, और कहां पे A डिस्टेंस में। M2 में पहला इमेज बनेगा I2 और कहां पे B डिस्टेंस में। फिर इसके आगे इसका इमेज इधर बनने वाला है तो नाम रख लेंगे I12। और दूरी कितनी हो जाएगी, ये दोनों के बीच की जो दूरी है ना उसी को जोड़ते जाना है, तो वो बन गया 2a प्लस b। I2 के लिए भी ऐसे ही a प्लस b करोगे तो I2 का इमेज बना है ये, तो ये बन गया I21 a प्लस 2b। इसको भी आगे a प्लस b जोड़ते जाओगे तो देखो 21 का फिर से इमेज बन रहा है 2 में, तो I212, और डिस्टेंस हो जाएगा कितना 2a प्लस 3b, ये बन जाएगा I121, और डिस्टेंस हो जाएगा कितना 3a प्लस 2b। इसी तरीके से सो ऑन सो फोर्थ मामला चलता रहेगा, और बहुत सारे तरह के हम लोग चाहें तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आराम से बना सकते हैं। तो इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मान के मैं इसे मिटा देता हूं, और इसे मिटा के आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। जैसे सवाल कुछ इस शक्ल में आ सकता है आपके पास कि भाई लोकेट फर्स्ट 3 इमेजेस इन फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। तो देख लेते हैं एक बार, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, ये M1 है ये M2। तो पिछले सवाल के हिसाब से हम लोगों को क्या करना था, M1 M2 लिखना था। M1 M2 लिखने के बाद हम लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि M1 में जो पहला इमेज बनेगा I1 वो होगा कितने पे, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर दूर है M1 से ऑब्जेक्ट। M2 में पहला इमेज होगा I2 और वो होगा 4 सेंटीमीटर दूर। फिर आपको क्या करना है, वही 4 और 3 दोनों को जोड़ के जोड़ते जाना है, 4 3 7 इसमें जोड़ेंगे तो I12 कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर। I2 का 7 प्लस 4
I21 11 सेंटीमीटर, फिर I212 11 और 7 18 सेंटीमीटर, ये I121 10 के साथ 7 जोड़ दीजिए 17 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्त, जितने भी अगर मैं चाहूं इसमें उतने इमेजेस का पोजीशन आराम से लिख सकता हूं बिना किसी दिक्कत के, बहुत ही आराम से इसको पूरा किया जा सकता है बिना कोई समस्या किए हुए। तो ये एक सवाल था और मैं आप लोगों से होमवर्क में एक दो सवाल देता हूं, उसको भी ऐसे बस लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर मुश्किल काम नहीं है तो फिर इतना चिंता की क्या बात, 4 को 5 कर लेते। देखो ये होमवर्क में है, हम लोग बस ये काम करने वाले हैं कि इसको 2 सेंटीमीटर और इसको 4 सेंटीमीटर कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। पहला ये सॉल्व कीजिएगा, दूसरा ये सॉल्व, ये M1 है, ये M2। दस सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। ये दो सवालों को सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क में और इसको अपने ग्रुप में पोस्ट करिए या मुझे बताइए। तो अब ये अपना पैरेलल मिरर वाला मामला तो हो गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे और कहां कहां बनेंगे हम लोग लोकेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अब ये प्रोसेस को जान चुके हैं, इसी तरीके से लिखना है और जोड़ते जाना है, जितना जोड़ दोगे उतना काम हो जाएगा अपना। फिर अब पैरेलल के बाद सबसे आसान है नंबर ऑफ इमेजेस पता करना, उनकी फील लेना परपेंडिकुलर वाले सिस्टम में। नंबर ऑफ इमेजेस पता करने का हम लोग तरीका देख रहे हैं, सबसे सिंपल सवाल लेते हैं। देखो हमारे पास 2 मिरर है, एक मिरर है M1 और एक मिरर है M2। ये M1 और M2 को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर रखा गया है, मतलब एक x एक्सिस के अलोंग है, एक y एक्सिस के अलोंग। हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट P लेते हैं और ये P पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर इसका ऑब्जेक्ट का नाम है तो इसका नाम O ही रख लेते हैं। इस O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x और y, मतलब अगर आप देखोगे तो M2 से दूरी होगी x के बराबर और M1 से दूरी होगी y के बराबर। तो पुराना नियम क्या कहता है भाई कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मिरर है तो इस मिरर को आप चाहो तो इनफाइनाइटली लार्ज मान सकते हो। ऐसा हम लोग क्यों मान सकते हैं, क्योंकि जो रेज है उनका डायमेंशन तो क्या होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल, इतना छोटा कि हम लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उतनी छोटी चीजों के सामने अगर आप इतना बड़ा मिरर रख देते हैं तो वो मिरर उस रे के लिए इनफाइनाइटली लार्ज होगा, तो इसीलिए हम लोग जिधर भी चाहें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बिना किसी आपत्ति के। तो देखो सबसे पहले अगर मैं M2 में एक इमेज बनाऊं तो उस इमेज का नाम मुझे क्या रखना होगा, I2, है ना, कि भाई M2 में जो इमेज बनेगा उसकी खासियत क्या होगी, जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे इमेज बनना चाहिए, क्या भाई है कि नहीं है। तो अगर उतना ही पीछे बनना चाहिए, ये प्लेन मिरर की खास बात है। दूसरा, चूंकि ये M2 वाले मिरर में बन रहा है इसीलिए इस इमेज का नाम मैंने I2 रखा है, तो ये दूरी निश्चित रूप से कितनी हो जाएगी भाई, x के बराबर। आप यहां पे ओरिजिन को मान के चल रहे हैं
तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स प्लस वाई। क्यों? क्योंकि जो अपना मिरर होता है ये वर्टिकल डिस्टेंस को तो बेचारा कोई भी इन्फ्लुएंस कर नहीं रहा, तो वाई ऊपर है तो वाई ही ऊपर बनना चाहिए। इसके बाद M1 में अगर मैं पहला इमेज लिखूं तो आप कहोगे ना कि चलो यहां पे एक इमेज बना लेते हैं और इसका नाम क्या रखेंगे, I1। चूंकि ये M1 मिरर में बन रहा है इसीलिए हमने इस इमेज का नाम I1 रख दिया। मिरर से कितने ऊंचाई पे है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई पे, तो इसको वाई नीचे बनना चाहिए, बन गया। अब एक्स वाला जो डिस्टेंस है वो तो पैरेलल है मिरर के, तो अगर वो एक्स वाला डिस्टेंस पैरेलल है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अगर पैरेलल है तो पैरेलल ही रहेगा बिना किसी चिंता के। तो इस दूरी को ऐसे ही लिख देंगे। तो अब आप कह सकते हो ना कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए वो होने चाहिए एक्स एंड माइनस वाई, क्योंकि ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट जैसा दिख रहा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, तो ये फोर्थ होगा। अब हम लोगों को एक इमेज बनाना है, आई वन का इमेज बनाते हैं। तो आई वन का इमेज अगर आप बनाइएगा तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, आई वन टू। आई वन टू का मतलब होता है इमेज ऑफ आई वन इन मिरर टू, इसीलिए मैंने इसका नाम आई वन टू रखा है। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आता है उस इमेज के आइडेंटिफिकेशन से और सेकंड सबस्क्रिप्ट आता है मिरर के आइडेंटिफिकेशन से। ये M2 वाला मिरर एकदम सीधा खड़ा है तो इसी ने इमेज बनाया होगा इसका, इसीलिए मैंने इसका नाम I12 रख दिया है। अब इसके पोजीशन के बारे में अगर बात की जाए तो आप कहोगे ना कि अगर ऑब्जेक्ट इससे x आगे है तो x पीछे इसका इमेज बनना चाहिए, और ये वाली जो दूरी है परपेंडिकुलर मतलब इसके पैरेलल वाला, पैरेलल वाले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप कहोगे ना कि ये दूरी अभी भी वाई ही होनी चाहिए। और इस तरीके से आई वन टू का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण माइनस एक्स और माइनस वाई के बराबर होगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगर दिक्कत की बात नहीं है तो हम लोगों को ये भी पता है कि अगर इस आई वन के लिए एक इमेज बन सकता है जो कि एक ऑलरेडी एक इमेज था, अगर उस इमेज का इमेज बन सकता है तो आप लोग तुरंत ये बात कहेंगे ना कि भैया फिर इस इमेज का इमेज क्यों नहीं बनना चाहिए, तो ये बात भी सही है। इस I2 का भी एक इमेज बनेगा, और वो I2 का इमेज कितना नीचे बनना चाहिए भाई, I2 इससे Y ऊपर है तो Y नीचे बनना चाहिए, और मिरर से पैरेलल डिस्टेंस इसका कितना है X के बराबर, तो इधर का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए X के बराबर। तो आपको ये लगता है कि बिल्कुल एक ही जगह पे दो इमेजेस बनेंगे, एक I12 और दूसरे का नाम रखा जाएगा I21। नाम इसलिए रखा है कि भाई I2 का हम लोग इमेज बना रहे हैं और वो किसमें बना रहे हैं, मिरर M1 में। तो पहला सबस्क्रिप्ट इमेज के आइडेंटिफिकेशन के लिए और दूसरा मिरर के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि इस परिस्थिति में बनने के लिए तीन इमेजेस, चार इमेजेस बनते हैं, है ना, फोर इमेजेस। क्यों भाई, जिस जिस चीज का नाम अलग हो सकता है वो सब चीजें अलग चीजों को ही बताती है। जैसे मैंने इतने नाम लिखे थे I1, I2, I12 और I21, तो इन सब के नाम अलग अलग हैं, मतलब इतने अलग अलग तरह के इमेजेस बने होंगे। I1 जिनके कोऑर्डिनेट्स है x माइनस वाई, I2 जिनके कोऑर्डिनेट्स है माइनस एक्स वाई, I12 जिनके कोऑर्डिनेट्स है माइनस एक्स माइनस वाई, और I21 जिसके भी कोऑर्डिनेट्स है माइनस एक्स माइनस वाई। तो आप ऐसा देख सकते हो ना कि इन चार इमेजेज में से जो ये लास्ट के दो इमेजेज हैं वो एक ही जगह पे हैं, कोइंसाइड कर गए हैं। तो अगर ये कोइंसाइड कर गए हैं तो चार इमेज होते हुए भी हमें डिस्टिंक्ट इमेज कितने दिखाई देंगे, तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगे अपने इस केस में वो चार ना होके अपना आंसर कितना होना चाहिए, तीन के बराबर, क्योंकि लास्ट के दो इमेजेस एक जगह पे कोइंसाइड कर गए हैं। तो अगर ये दोनों का एक ही एड्रेस है, मतलब ये कि यहां दो आदमी ना मिलके आपको एक आदमी मिलेगा, इसीलिए हमने इन दो इमेजेस को एक ही लिख लिया है और उसी के हिसाब से अपना
मामला सेट कर दिया है। क्या कोई दिक्कत तो इसमें आप समझ गए कि नहीं? हाँ बस ऐसे ही जो लोग यहाँ से हैं वो वहां वहां समझेंगे। तो ये अपना परपेंडिकुलर वाले के लिए बात है। फिर हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस निकालना सीखेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे से इंक्लाइंड हो तब क्या होना चाहिए उस परिस्थिति में, ठीक है? तो इसको यहीं पे रोक देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।